Hey guys, welcome to my new vlog. जैसे कि आप सबको पता है कि आज संडे है, सो फन डे. सो आज हम जा रहे हैं सब घूमने के लिए कियारा के साथ. देखिए अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, तो चलिए घूमने चलते हैं. अभी आप देख सकते हैं कि हम नीचे आ चुके हैं पार्किंग में. कियारा को आप देख सकते हैं, वो सो चुकी है बिल्कुल. उसको हमने नहला दिया था, वो बहुत रिलैक्स फील करके सो रही है. मम्मी जा रही है हमारे साथ में घूमने के लिए. हमारे फ्रेंड्स को पिकअप करेंगे उनके घर पे, एंड देन हम घूमने चलेंगे. फिर मैं आपको ब्लॉग शेयर करती हूँ वहाँ का. अभी हम निकल चुके हैं घर से. यहाँ से तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगेगा फ्रेंड्स को हमारे पिकअप करने में घर पे उनके. फिर हम वहाँ से निकलेंगे. अभी आप देख सकते हैं प्रतीक ड्राइव कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ मम्मी लेके बैठी हैं हमारी प्रिंसेस को. कियारा हमारी उठ गई. कौन चल रहा है भाई घूमी घूमी करने? कौन चल रहा है? कियारा घूमी घूमी करने जा रही है क्या? इसका पहले क्या होता था मालूम है? ये पहले जब घूमने जाती थी ना, तो हमेशा सोने में ही इसका पूरा मतलब जर्नी खत्म हो जाता था. सोती ही रहती थी. अभी क्या हो गया, जैसे ही बड़ी हो रही है वैसे ही कार में बैठते ही, जैसे इसको पता चलता है कि हम घूमने जा रहे हैं, वैसे ही उठ के बैठ जाती है. घुमक्कड़ है हमारी बिटिया. देखिए क्यूट सी प्रिंसेस. अभी हम बस अपने फ्रेंड्स के घर पहुंचने वाले हैं. जस्ट 5 मिनट में उनका घर आ जाएगा. पहुंच चुके हैं उनके घर पे. ये है उनकी सामने वाली ये बिल्डिंग. अभी हम उनका वेट कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं. अभी हम चलते हैं घूमने के लिए. और कियारा मेरी बैठ गई अपनी चाची की गोदी में. हे गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं साइंस सिटी. ये धर्मपुर के पास में है, मतलब धर्मपुर में ही है एग्जैक्ट. अभी आपको मैं दिखाती हूँ साइंस. ये है ना धर्मपुर में, कॉलेज के पास में ही है. जो यहाँ के लोकल है ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा. ये है एंट्री गेट, जहाँ पे मतलब आप ये रहा आपका एंट्री गेट. यहाँ पे टिकट्स वगैरह कुछ कलेक्ट करनी होती है. और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे. यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मम्मी खड़ी हैं और प्रिया भाभी खड़ी हैं. ये हैं छोटे छोटे खरगोश. अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ना सारा गुजराती लिखा हुआ है. जो यहाँ के लोकल हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. ये है साइंस पार्क. ये ना साउथ गुजरात का एक बेनिफिट है कि यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत है. अगर आपको नेचर से बहुत प्यार है ना, अगर आपको मतलब नेचर आप लवर हो ना, तो आपको साउथ गुजरात बहुत ही पसंद आएगा. ये देखिए बड़ा ही प्यारा है. अभी ना मैं आपको यहाँ पे ये चिड़ियों का घर दिखाती हूँ. बड़े ही प्यारे प्यारे चिड़िया है यहाँ पे. ये देखो, ये देखो क्या कलरफुल मस्त है. ये देखो कितनी कलरफुल है सब. अभी ना कियारा बहुत छोटी है, फिर भी हम ऐसे ही निकल लिए घूमने के लिए. पर वो बड़ी होगी ना, फिर इंजॉय करेगी ये सब बहुत. अभी तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत छोटी है. वो जब बड़ी होगी ना, फिर हम हर जगह जाएंगे ना, तब उसको सब पता चलेगा. एंड देन वो बहुत इंजॉय करने वाली है ये सब चीज़ें. वो देखिए एक वो भी है, एंड एक यहाँ है, एक वो रहा पीछे. बहुत सारे डायनासोर्स हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे सिर्फ ये हाँ कनेक्शन है ही नहीं. और यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग अच्छा लगेगा ना. हे गाइस, अभी हम यहाँ पे हैं अंदर 3D साइंस शो के. अभी बैठ जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. बड़ा मजा आने वाला है. सकते हैं बाहर हूँ. एक्चुअली बहुत ज्यादा साउंड हो रहा था, तो कियारा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं जस्ट गई और यूं वापस आ गई. कियारा है ना, मैंने आपको लास्ट बताया कि 3D साइंस शो से निकलने के बाद ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, तो वीडियो नहीं बन पाया उस टाइम पे. अभी हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, तो
पे आप देख सकते हो यार, आप ना रेडी होके न्यू न्यू कपड़ा पहन के, जैकेट वैकेट बिल्कुल पहन के बैठी है मेरे गोद में। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे न्यू लोकेशन पे, फिर वहाँ पे आपसे मिलते हैं। Hey guys, अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। क्या हो गया, ये बेसिकली ये एंट्रेंस है पूरा, ये जहाँ पे मैं आपको दिखाई, ये जो दिख रहा है वो सब कार पार्किंग है वहाँ पे। और यहाँ पे टिकट्स लेते हुए ये भैया, अभी आप देख सकते हो। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे ना, एक्चुअली ये मंदिर है जलाराम बापा जी का, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जलाराम धामा पधारो। तो ये जलाराम बापा जी का मंदिर है, हम वहाँ पे आए हैं। ये मंदिर है, यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है और जलाराम बापा जी का है। अभी आरती वगैरह का टाइम हो रहा है, काफी शाम हो गया है। ये देखिए ये जलाराम बापा जी, ये आप देख सकते हो बड़ा ही प्यारा देख सकता है ये अपने डैडी के गोदी में। बोटिंग भी है पर बोटिंग अभी चालू नहीं है, शायद इन लोगों ने अभी बंद करके रखा है, ऐसा कुछ है। यारा, मैं बेटी हूं, शाम का बहुत शाम हो गई है, 6:30 बज रहा है, 6:30। चलिए आप सभी मंदिर में मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं जलाराम धाम सिद्धि विनायक साईं कृपा। अब ये मम्मी अभी सोएगी। देखिए बड़ा ही प्यारा सा है यहाँ। Hey guys, तो यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं क्यारा को सोने की तैयारी और बहुत ज्यादा इरिटेट है। आप देख सकते हैं शॉपिंग का भी है यहाँ पे, है ना, बहुत प्यारा है। अभी क्यारा बहुत बड़ी भी नहीं है पर थोड़ा बहुत टॉयज ले सकते हैं उसके लिए। ये आप देख सकते हैं प्रसाद का ध्यान दिखा कितना बाल चले गए। ये है मंदिर जलाराम बापा, ये देखिए कितने प्यारा है। ये देखिए छोटा सा एरोप्लेन, ये फोन नहीं लेना कि फोन कर। ये है बहुत ही खूबसूरत सा भोलेनाथ का स्टैचू, बहुत ही प्यारा है। मुझे ना ये मंदिर की सबसे खास बात अभी तक की क्या लगी है, सिर्फ मुझे ये बहुत पसंद आया है ये वाला एरिया। फिलहाल मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, पर ये जो है ना पर्टिकुलर प्लेस, ये बहुत ही खूबसूरत है। Hey guys, हम निकल चुके हैं यहाँ से पलादरा से, अब हम देख सकते हैं क्यारा को। अब इसको आ रही है नीनी, अब ये सोएगी। Hey guys, तो हम आ चुके हैं घर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी छोटी सी क्यारा सो गई है, प्रिंसेस मेरी। वो एक्चुअली हम आधे रास्ते पहुंचे ना, वो तभी सो गई थी, तभी वो आराम से सो रही है, मैंने उसको सुला दिया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।